से वो गुजरा है, जो चीज़ें उसने अपनी ज़िंदगी में फेस की हैं अपने प्यार को लेकर, अपने दोस्तों को लेकर, एंड वो उस इंसान को एक नई भूमिका के अंदर, एक नए किरदार के अंदर उसको पेश करता है वो बाद में जाके। सो द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इज़ के कोर उसकी एक ही है। सो आई थिंक ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि दो अलग अलग एक्टर सेम सोल को फॉलो कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं, पर दोनों के मोटिवेशंस अलग हैं। शिवा का जो मोटिवेशन था, इट वॉज क्लियर, ही वॉज अ वेरी हैप्पी गोइंग पर्सन, वेरी लवली पर्सन, एंड ही फॉर हिम इट वॉज लाइफ वॉज ऑल अबाउट तारा, इट वॉज जस्ट अबाउट तारा, वॉट एवर इज हैपनिंग इफ तारा इज देयर ही इज सॉर्टेड। बट अभिमन्यु जब वो एक अभिमन्यु का जब किरदार आता है, उसका एक उसका रिवेंज अलग है, उसका एक मोटिवेशन अलग है। जैसा आपने प्रोमो में भी देखा, इट्स यू नो इट्स हिज रिवेंज, इसका प्रतिशोध है ये। तो वो कैसे प्यार और इश्क एक ऐसा किरदार में तब्दील हो जाता है कि वो प्रतिशोध लेने के ऊपर मजबूर हो जाता है। सबसे बड़ा गुनाह तो यह है कि आप गुनाह नहीं देखेंगे, सबसे बड़ा गुनाह वो हो जाएगा। She's asking about your गुनाह। That's why I'm saying if अगर मैं भी गुनाह टाइम पे नहीं देखूंगा तो मेरे लिए भी एक गुनाह है। No, यार, fortunately or I don't know, unfortunately, no, not really. It's just on ये on screen ही गुनाह किया है, off screen तो I no. मैं सोच रही आपसे पूछना चाहेंगे, आपने शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री से किया था, फिर आप टेलीविजन में काम किया, अब आप सीरीज बना रहे हैं, मतलब आपको हर एक जो प्लेटफॉर्म है सबका आपका तजुर्बा है, तो आपको क्या लगा कि क्या कुछ चेंजेस हो रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में, और अब OTT भी आ गया है, ये सब में क्या कुछ चेंजेस है और क्या कुछ नया आपको लगता है? यार मैं एक कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह आप जाते हैं लोग बहुत ही पैशनेटली काम कर रहे होते हैं, और ऐसा नहीं है दैट यू नो इफ़ लाइक द इक्विपमेंट्स आर डिफरेंट और सम दे आर स्पीकिंग इन सम अदर लैंग्वेज, नो, हर कोई बहुत प्यार से प्रोजेक्ट कर रहा होता है और कुछ भी फ़र्क नहीं होता, और आई ऑल्सो डू इट पैशनेटली, लाइक मेरे हिस्से जो रोल आया है, जो मेरा कैरेक्टर है, मैं बस उसे अच्छे से करूँ, क्या होगा कौन से प्लेटफॉर्म पे, आई थिंक इट्स लाइक टू मैथमेटिकल फॉर मी, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट, सो या आई जस्ट ट्राई एंड एन्जॉय वट एवर आई एम डूइंग। इवन जैसे कि देखा जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू आजकल जो पुराने सीरियल्स थे, जैसे आपके आपका जो पुराना सीरियल था कुरूर है, उसका भी काफ़ी रिलीज किया जा रहा था, उसके शॉर्ट्स फेमस हो रहे थे, आप अपने इंस्टा पे वो सब शॉर्ट्स देखते तो आपको कैसा लगता है? I really cannot explain in words how amazing is that feeling. जब आप पुराने मैं खुद देखने लग जाती हूँ, यू नो ऐसे क्लिपिंग्स, ओ माय गॉड, अच्छा हाँ ये भी तो सीन किया था, ओ माय गॉड द सीन वाज सो अमेजिंग। सो मैं वही बोल रही हूँ दैट यू नो ये जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिनसे ना आप कभी मिले हैं, बट स्टिल यू नो आप अपने काम के ज़रिए उनको इतना खुश कर देते हैं कि वो आपके लिए टाइम निकालते हैं, आपके कोलाजेस बनाते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लिखते हैं, और जो भी आप काम करते हैं उसको सराहते हैं, ये it's a beautiful feeling and I live for that feeling. This feeling empowers me, it gives me a lot of strength. Keep doing that. You just can't explain that feeling. Absolutely, absolutely. The butterflies you get after seeing that amount of love is just... It's all the award that I want. It's all the recognition and appreciation that I want. I am working just for that. Of course, आपकी खुद की satisfaction रहती है एक अच्छा role करने के लिए, but जो लोगों का प्यार मिलता है, that's the ultimate feeling. यार यस आई हैव दैट गाय, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, पर उनका आई थिंक डे ड्रीम ड्रीम कुछ ऐसा करके कुछ शो है, एंड इट इज़ अ वेरी फेमस शो, एंड इट्स अ वेरी फेमस शो, एंड उनका आई थिंक शो में नाम जान या जान समथिंग लाइक दैट, जस्ट बिकॉज़ इट साउंड्स लाइक जैन, नो इट वाज जान, एंड द कैरेक्टर द गाय इज लाइक सुप्रीमली हैंडसम. He's so handsome. I mean, wow, nice. मैंने एजेल देखा है यार थोड़ा सा, just to understand the story and everything. Oh my god, but all the characters, everybody in that show is just so good. Even आपके opposite जो दूसरे artist हैं, अभिमन्यु जिनका series में नाम है, उनके साथ कुछ bonding या memories आप share करना चाहेंगे? फिलहाल वो इधर available नहीं है. Yeah. He's filming something else, and but he's also a very good actor, very honest actor. He comes on the set prepared, and it's fun to shoot with him. Like he's a fun guy to work with. अगर
यार मैं सबसे पहले तो उनका थैंक यू करना चाहती हूँ. ऑनेस्टली मुझे जहाँ पे भी मौका मिलता है मैं उन लोगों का थैंक यू करती हूँ, बिकॉज आई रियली कैन नॉट रीच आउट टू ईच एंड एवरी पर्सन एंड से कि आपका प्यार मेरे लिए कितना मायने रखता है. सेकेंडली प्लीज़ गुनाह देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो, इट्स ऑन डिज्नी प्लस हॉट स्टार, इट्स फ्री ऑन योर मोबाइल फोन्स. यू प्लीज़ लेट मी नो योर थाट्स अबाउट Shiva, about Tara and about this show, and please try and spread the word and let everybody watch this show because humne bahut mehnat se banaya hai. Seriously mehnat humne bahut zyada kari hai is show ko leke, because hum January se is show ke upar kaam kar rahe hain, and I think September ya October November se hum is show ke bare mein hamari like meetings chal rahi thi, pre-production and meetings and script readings. So I think after January hamari life mein bahut sare changes aaye while filming this show, and bahut zyada mehnat kari hai ek ek shot ko लेके, जब तक वो परफेक्ट शॉट नहीं मिल रहा है. एंड मेरे साथ तो ऐसी कुछ चीज हुई, लाइक आई हैव डन सम सीन्स लाइक रियली चैलेंजिंग, फिजिकली चैलेंजिंग सीन, बट वो समहाउ वो हमको एपिसोड में से चॉप करने पड़े बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस. तो देयर वाज दिस सीन जहां पे आई वाज ऑन आइस स्लैब एंड दे आस्क्ड मी कि आर यू ओके टू परफॉर्म दैट. आई वाज लाइक जस्ट ब्रिंग इट ऑन, एंड दे हैव लिटरली गॉट एन आइस स्लैब फॉर मी, एंड आई वाज बीइंग टॉर्चर्ड ऑन दैट. So I just want to tell you that I have worked so hard, we all have worked literally so hard on this show. So please, jitna pyar aap logon ne hamesha hum logon ko diya hai, jitna pyar aapne Zoya ko diya hai, jitna pyar aapne Yash ko diya hai, jitna pyar aapne hamare purane shows ko diya hai, please aap sab milke is show ko utna pyar dijiye, and it's free on your mobile phones, aap jab chahe isko dekh sakte hain. So thank you so much for all the love guys, and ये गुनाह के हम दोनों हिस्सेदार हैं, बहुत अहम हिस्सेदार हैं, तो आपको भी इस गुनाह का हिस्सेदार बनना है. आई एम पार्टनर इन गुनाह, इन दिस गुनाह. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. अबे यार तुम लोग इतना क्यों कर देते हो, क्या लुकिया 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 सेंटर सेंटर लुक वेट यहां पे सेंटर लुक सोलो सोलो अभी रुक जाओ सुरभि जी यहां पे सामने सेंटर इनकी तो फोटो राइट में सुरभि जी इधर सुरभि जी यहां पर देखिए अभी सुरभि जी सेंटर सुरभि जी राइट सुरभि जी यहां पर कहां पे सुरभि जी सेंटर मैं यहां एक फोटो सुरभि जी हम लेफ्ट इधर आजू बाजू सुरभि जी सेंटर देखिए सुरभि जी यहाँ पर राइट में होने तो दे सर सेंटर सेंटर सर राइट इधर लेफ्ट रोहित सर का बस एक बार थैंक यू सो मच.